ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय श्री शंभो। दोस्तों, जी करता है कि सब कुछ छोड़कर कहीं दूर चले जाए। जीवन में इतनी सारी परेशानियां हैं, इतनी सारी बाधाएं हैं जिनको लेकर हम बहुत परेशान हैं। ऐसा लगता है कि हमारे जीवन में कुछ भी चीज़ें बेहतर नहीं लिखी हुई है। ऐसा भी लगता है कि पूरी दुनिया की समस्याएँ जो है वो हम पर ही आ चुकी है या हमारे लिए ही चीज़ें ख़राब हो रही है। ऐसा भी कई बार देखा गया है कि बहुत सारे जातक इस विषय को लेकर बहुत नकारात्मक हो जाते हैं अपने जीवन में, कि उन्हें लगता है कि हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां ख़राब हैं और वो हमेशा ख़राब रहेगी। हम कुछ भी करें लेकिन वो अच्छी नहीं होने वाली है। हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत सकारात्मक वे में चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके बाद भी चीज़ें सही नहीं हो पाती है। तो क्यों हमारा मन यह करता है कि सब कुछ छोड़कर हम यहाँ से दूर चले जाएं? ऐसा किस ग्रह की वजह से होता है? अगर ऐसी परिस्थिति किसी जातक के साथ बनती है तो उन्हें क्या करना चाहिए? यह भी विस्तार पूर्वक इस वीडियो में आप समझने वाले। जिस भी जातक ने इस वीडियो को पूरा देख लिया, समझ लिया, वो अपनी बहुत बड़ी मदद कर सकता है दोस्तों, और इस पूरे माया जाल से बाहर निकल सकता है। सबसे पहली बात है कि जब कभी भी किसी जातक के साथ ऐसी परिस्थितियाँ शुरू होती है तो उसमें बहुत हद तक जो हाथ होता है वो राहु का होता है। राहु जगह छुड़वा देता है, राहु त्वरित सफलता दे देता है, राहु जीवन में ऐसी घटनाएं करवा देता है कि जो घटनाएं में हमारा कोई लेना देना नहीं होता है। तो इस वजह से मन में एक उच्चावटन आ जाता है, मन में बहुत से नकारात्मक भाव आ जाते हैं। जो लोग पहले साथ थे वो लोग दूर हो जाते हैं और हमें हर कदम पर बस धोखा, छल कपट और लोग हमारा उपयोग करते नज़र आते हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम बहुत निराश और हताश तब हो जाते हैं जब हम खुद को रोज़ इस बात को लेकर जीवित रखते हैं कि कुछ अच्छा होगा, अच्छा होगा, और जब अच्छा नहीं होता है तो बहुत डीमोटिवेट हो जाते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ राहु की वजह से होता है। राहु अल्पकालीन सब चीज़ें त्वरित देता है, लेकिन राहु किसी भी जातक को एक नेगेटिव वाइब्रेशन में फंसा देता है और फंसाकर उसी में बार बार घूमते हुए नज़र आता है। तो राहु से जनित जितने सारे प्रयोग हैं उन्हें आपको करने की सख्त ज़रूरत है। अगर आप करेंगे आपको बहुत 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 फ़ायदा मिलेगा। सबसे पहला प्रयोग आपको करना चाहिए कि राहु हमेशा जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, जैसे कि आप दिव्यांग आश्रम होगा, निराश्रित आश्रम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, या अनाथ बच्चों का आश्रम हो गया, उन सभी की मदद करें। या तो उन्हें बुक्स दें, खाना दें, अनाज दान करें, जो भी आप डोनेट कर पाए वो डोनेट करना शुरू करें। धीरे धीरे जब आप ये प्रयोग करेंगे, ज़रूरी नहीं कि आप इसको एक बहुत बड़े तौर पर करें, जो आपकी श्रद्धा हो, जितना आप अफोर्ड कर पाए वहाँ से शुरू करें। जब आप ये प्रयोग करेंगे तो राहु से जनित जितने सारे एक नकारात्मक प्रभाव में जब आप फंसे हुए उससे आप बाहर धीरे धीरे निकल आओगे। दूसरा प्रयोग यहाँ पे भी करने की आवश्यकता है कि नियमित बजरंग बाण का पाठ करें। सुबह और शाम दो वक्त आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। बजरंग बाण का पाठ करने से राहु के बहुत सारे विकार स्वाभाविक रूप से खत्म हो जाते हैं। जिन भी जातकों ने इस प्रयोग को किया उन्हें बहुत फ़ायदा मिलता है। और तीसरा और मूल प्रभाव है कि काला धागा लें, भगवान शिवलिंग जो भी अपने घर के आसपास हो वहाँ पर भगवान शिव को अर्पित करें और उस धागे को अपने हाथ में बांध लें, कलावा बांध लें, काला कलावा जो होता है उसे बांध सकते हैं। यह प्रयोग भी आप सोमवार के दिन या शनिवार के दिन कर सकते हैं। यह प्रयोग करने से भी आपको बहुत हद तक जीवन में एक सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये सभी बातें थी। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।